नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। महाराष्ट्र के कल्याण में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। निर्दयता से की गई हत्या के बाद लाश को एक बोरी में भरकर कालू नदी के किनारे सुनसान जगह में फेंक दिया गया। जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह पुलिस को कालू नदी के पास से बरामद लाश को देखकर पुलिस खुद उलझन में पड़ गई। इसके बाद थाने क्राइम ब्रांच और टिटवाला पुलिस ने मिलकर सबसे पहले लाश की शिनाख्त की। मृतक का नाम रविंद्र शिवगढ़ बताया गया। बाद में पुलिस ने मृतक रविंद्र शिवगढ़ के परिवार वालों से संपर्क किया तो पता चला कि रविंद्र शिवगढ़ और उसकी पत्नी रमा में रोजाना झगड़ा हुआ करता था, जिसमें रमा के परिवार वाले भी रविंद्र के झगड़े से परेशान हो जाते थे। आखिरकार पिछले सप्ताह हुए पति पत्नी के अलावा रमा का भाई गौतम भी झगड़े में शामिल हो गया, जिसमें मारपीट के दौरान पत्नी रमा ने अपने भाई गौतम के साथ मिलकर किसी घातक हथियार से अपने पति रविंद्र की हत्या कर दी। चूंकि लाश की पहचान न हो सके इसलिए उसे सर से पांव तक काट डाला गया और लाश को उठाकर एक बोरी में भरकर टिटवाला मांडा स्थित कालू नदी के किनारे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के साले गौतम को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी पत्नी रमा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके पत्नी को मिलने के बाद वो बोली कि वो अपने माँ बाप के पास चला गया, तो उसके दोस्त के पास दोस्त को उनको फोन करने के लिए बोला, तो माँ बाप के पास भी वो पहुंचा नहीं था, वो काम के भी पास पहुंचा नहीं था। उस हिसाब से हमने हमारा इंक्वायरी उस ढंग से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके चल रही थी। उसके पत्नी को और उसके सास को हम और उसके जो मैं थे उसके माँ बाप को सब लोगों को हम पुलिस स्टेशन में दो तीन दिन कांस्टेंट बोला के तहकीकात कर रहे थे। बीच काल में उसका जो साला था वो घर नहीं आया था, तो उसको हमारी एलसीबी की टीम के पीएसआई राजपूत उन्होंने बंबई में उसको कब्जे में लेकर उसको पूछताछ करने के बाद उसने ये गुनाह की कबूली दिया है। इसमें मृतक की सास, मृतक का साला और मृतक की पत्नी, इन तीनों को अरेस्ट किया है।